तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। और आज बहुत समय बाद मैं गेम मॉडिंग के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये मैं थोड़े से एडवांस मॉडर्स के लिए बनाने जा रहा हूं, जो कि मेरी पुरानी वीडियोस को देख चुके हैं गेम मॉडिंग के ऊपर, जितनी भी मैंने बनाई, जैसे कि डंप क्या होता है, उनको सब कुछ पता है। तो आज मैं आप लोगों को लिब फाइल आप लोग तो जानते ही होंगे, जाहिर सी बात है जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो थोड़े से गेम मॉडिंग के अंदर एक्टिव होंगे, तो उन्हें पता है कि लिब सीपीपी वाली जो फाइल होती है वो क्या काम करती है। तो उनके लिए मैं आज लेकर आया हूँ कि कैसे आप लोग उस lib.cpp file.so के अंदर से डंप कैसे निकाल सकते हो। अभी देखो, अगर कुछ नए लोग हैं जो कंफ्यूज हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ये डंप क्या होता है, तो प्लीज़ आई बटन के ऊपर चले जाओ, गेम मॉडिंग की पूरी सीरीज है, जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गेम एक चूज़ कर रखा है, मिनी मिलिशिया। बहुत सारे फेमस गेम इसके ऊपर काम करते हैं, जो डंप मैप बताने जा रहा हूँ जैसे निकालने का तरीका। बहुत सारे फेमस गेम के डंप ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हो, जैसे 8 Ball Pool हो गया, और भी के डंप आप लोग निकाल सकते हो, ट्राई करना खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्टी मैनेजर के अंदर मैं मिनी मिलिशिया पे व्यू कर दे रहा हूँ, ओके। आप लोगों को एम्प्टी मैनेजर कहाँ से डाउनलोड करना है, सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी चीज़ परफेक्ट है। तो आप लोग जब भी किसी गेम के अंदर जाते हो, और यहाँ पे जो फोल्डर है लिब, यहाँ पे देख सकते हैं लिब फोल्डर है, और उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का एक फोल्डर देखने को मिलता है। इसके ऊपर हम लोग ऐसे टैप करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि एक लिब फाइल है, यहाँ पे .so फाइल है। अब इसी एसओ फाइल के अंदर से डंप को निकालने का एक नया मेथड आया है, तो मैं उस मेथड के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले स्टेप क्या लेना है कि ये जो लिब फाइल है ना, इसको कॉपी करके एक दूसरे फोल्डर के अंदर रख लेना है। जैसे कि मैंने अपने फ़ोन के अंदर एक और फोल्डर बनाया डंप नाम से, और इस लिब फाइल को मैंने इस डंप नाम के फोल्डर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो हमारा पूरा पाथ है इसको हम लोग ऐसे कॉपी कर ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया, ये देख सकते हैं डंप, और इसको मैं पूरा का पूरा यहाँ से पाथ कॉपी कर लूँगा। यहाँ से मैं इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हमारा काम इतना यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अभी आपको क्या करना है कि इस डंप को निकालने के लिए, देखिए ये नया मेथड है, तो इसको निकालने के लिए आपको टर्मेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग चाहे प्ले स्टोर से टर्मेक्स डाउनलोड करो, चाहे गूगल से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब टर्मेक्स आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, तो टर्मेक्स डाउनलोड करने के बाद आपको टर्मेक्स का थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग इसके ऊपर टैप के रखोगे और आई बटन के ऊपर चले जाओगे, तो टर्मेक्स को यहाँ से फाइल एंड मीडिया की जो परमिशन है इसको आपको दे देना है। फाइल मीडिया नॉट अलाउ होगा, उसके ऊपर टैप करके अलाउ कर देना है आप लोगों को, ओके। सॉरी हिल गया थोड़ा सा मेरे हाथ से, ठीक है। तो टैप करके आप लोगों को अलाउ कर देना है, ओके। आई होप सो कितना आपको समझ में आया। अभी अलाउ करने के बाद अब आपको क्या करना है, अलाउ किया आपने, और उसके बाद आपको वापस से टर्मेक्स के ऊपर चले जाना है। अभी क्या है कि एक कमांड है जो कि मैंने पहले टाइप कर रखा था, तो मैं उसको यहाँ पर ऐसे टैप कर लेता हूँ, शायद वो कमांड मुझे यहाँ से मिल जाना चाहिए, और वो कमांड शायद मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए वो कमांड को वापस से मैं कॉपी करके यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को वो कमांड अच्छे से दिख सके, और उसके बाद मैं इसको इस पे टाइप करता हूँ, और फिर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने कमांड को यहाँ पर टाइप कर दिया है, pkg install, और यहाँ पे ये देख सकते हैं जो भी हमारी फाइल का नेम था, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पर आप लोगों को यही कमांड को लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ pkg install, और यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है और ये क्या करता है, इसके बारे में हम लोग इन फ्यूचर बात करेंगे। दरअसल अभी ये मेथड बिल्कुल नया आया था, ठीक है, तो मतलब मुझे अभी पता चला, तो मैंने सोचा जल्दी से एक वीडियो बना देते हैं, और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इसको वीडियो बनाने के लिए मतलब बैठ गया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास अगर गेम मॉडिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ जा रही हो, तो वो थोड़ी सी अपडेटेड हो, थोड़ी सी लेटेस्ट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहोगे कि ये चीज़ यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, और ये जैसे ही डाउनलोड होकर यहाँ से इंस्टॉल, अरे हो भी गई तो अब इतना हो गया हमारा काम। अभी अब आपको क्या करना है ये आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले जब आप लोगों का ये सॉफ्टवेयर, या फिर आप लोग इसको, ये जो टूल है ये आप लोग कह सकते हो, जब ये टूल आपका इसमें डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, जो हम लोगों ने डायरेक्टरी नहीं कॉपी की थी, याद होगा आप लोगों को, एम्प्टी मैनेजर से, आपको यहाँ पर पेस्ट करके देखना है। सबसे पहले मैं एक कमांड को यहाँ पर टाइप करना चाहूँगा, उस कमांड का नाम है cd, जिससे हम लोग अपनी डायरेक्टरी को चेंज करेंगे, और मैं यहाँ पे उसको कर दूंगा पेस्ट। यहाँ पे मैं किसी को भी कर ले रहा हूँ, और यहाँ से मैंने उस डायरेक्टरी जहाँ पे वो जो डंप फाइल है ना वो पड़ी है, मैंने वहाँ पे इसको देख सकते हैं चेंज कर लिया। अब हम लोगों की डायरेक्टरी इंडिकेट कर रही है उस डंप फोल्डर के अंदर, ओके। अभी आपको क्या करना है,
आपको यहाँ पे ये जो ऊपर कमांड लिखा है ना RABIN2 देके S और lib coc जो भी है, ठीक है, आपको सिंपल से ये कॉपी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो lib वाला सेक्शन है, अगर आपका नाम lib का यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मेरा ये नाम सेम है lib coc 2.so, ये देख सकते हैं नाम सेम है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रीनेम करके यहाँ से ये पूरा का पूरा मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, ताकि मतलब वहाँ टाइप करने में मेरा टाइम बच जाए। ओके, तो यहाँ से मैं सीधे इस कमांड को टाइप कर रहा हूँ RABIN, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ 2 और स्पेस, और यहाँ पे एक हम लोग देंगे डैश, एंड यहाँ पे P दब गया है। ओके, हम लोग यहाँ पे देंगे एक डैश, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे S, एंड स्पेस दे करके हम लोग वापस से SO तक इसको प्रिंट कर मतलब पेस्ट कर देने वाले हैं। ओके, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद आपको ये जो दो एरो की आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और द डंप डॉट टेक्स्ट है, ये एरो की दरअसल ये दर्शाता है कि इसको किस चीज में आप लोगों को चेंज करना है। हो सकता है थोड़ा फोकस में इशू हो रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा सा फोकस कर दे रहा हूँ। तो ये जो दो एरो की है, उसके बाद द डंप डॉट टेक्स्ट है, आपको ये टाइप कर देना है यहाँ पे। तो इन दो एरो कीज को लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, और मैं अपने में बता दे रहा हूँ आप लोगों को, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दो एरो की हम लोगों की ये मिल गई, इसको मुझे थोड़ा सा मतलब स्पेस दे के करना है, तो मैं यहाँ पे इसको दो बार ऐसे कर दूंगा। और यहाँ पे मैं जो भी आप लोग को नाम देना हो, मैं यहाँ पे सिर्फ डंप लिख देता हूँ, डंप, और यहाँ पे डॉट txt, और यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं एंटर करूँगा, यहाँ पे देखेंगे कि आपको कुछ टाइम का ये वेट करने को दे रहा है, ठीक है, कुछ टाइम का यहाँ पे वेट होगा, और वेट होने के बाद आपको इस टाइप का कमांड सक्सेसफुल वाला एक सेक्शन आ जाएगा, मतलब कुछ नहीं आया तो कमांड सक्सेसफुल, ठीक है। अभी आपको मैं सीधे डंप ऑफ फाइल दिखा देता हूँ, यहाँ मैं बैक गया कैंसिल, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक हमारे पास डंप डॉट txt आ गई। अगर मैं इसको ओपन कर लूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें हैं, और मैं इसको ज्यादा यूज करके नहीं दिखाने वाला, क्योंकि आई होप सो कि आप लोगों को पता होगा डंप का यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं, सब कुछ आप लोग जानते होंगे। सो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये जो टेक्स्ट फाइल है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन से आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जो करना है करो। सारी चीज़ें मैंने वीडियो में समझा दी हैं। अगर आप लोगों को टर्मेक्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स देखने तो आई बटन के ऊपर उसकी भी वीडियो है। सो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कमाल की वीडियो में।